सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से भी हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर, लेकिन आज इस वीडियो में खास क्या है, मैं आज उनका नाम नहीं लेने वाला और उनके क्वेश्चंस भी अपने हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा और ये क्वेश्चंस व्हाट्सअप का है। दरअसल आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उनका स्क्रीनशॉट लेकर जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो में लगाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसा बोला है कि प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर देना और मेरा नाम पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो उनकी प्राइवेसी को देखते हुए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हुए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज आपको वो स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो बस समझ लीजिएगा कि ये मेरे खुद के थॉट्स हैं या मैं उनका आंसर कर रहा हूँ, जैसा भी आपको सही लगे आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल रोचक है और ये टॉपिक भी बहुत रोचक है। रोचक मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली उन वुमेन्स को या उन लोगों को जो भी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये जीवन क्या है, ये जीवन इतना बोझ क्यों लगने लगा है, कि अब जो जीवन जीने में मज़ा आता था या जिस सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे थे इस जीवन में, अब ऐसा कुछ नहीं लगता है, कि ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ तबाह सा हो गया है। और जो पहले हम सोचते थे कि जैसे हम बचपन में रहते थे कि सारी चीज़ें अच्छी होती थी, कभी भी हमने अपने पेरेंट्स से कुछ मांगा वो चीज़ अवेलेबल हो जाती थी, हम स्कूल जाते थे वही गोल्डन पीरियड्स लाइक दैट। या दूसरी तरह से बात करो तो जब एक बच्चा कॉलेज या स्कूल में जाता है, जब वो अपने जो दिन है उनको एंजॉय करता है, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है, उसके पश्चात में जब उसका टाइम आता है शादी का, शादी के बाद में जो उसके साथ में प्रॉब्लम खड़ी होती है, या इसके आगे की बात करूं जब कुछ लोगों की शादी हो जाती है, शादी के बाद में कुछ उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता, किसी के पार्टनर यहाँ से किसी न किसी वजह से चले जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, उसके बाद में वो अकेले यहाँ पर सफरिंग करते हैं, इसके बाद में उनके लिए समाज एक दुश्मन का काम करता है, समाज के लोग उनके लिए दुश्मन बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं जैसे कि पूरा समाज उनका दुश्मन है। तो आज इसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि आपने अपने जीवन को इतना जटिल बना के क्यों रखा हुआ है और ये जो जीवन है पूरा आज हमें बोझ क्यों लगने लगा है, आज मैं उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और कुछ ऐसी इंसाइट आपके साथ में शेयर करूंगा जो किसी ने आज तक आपके साथ में नहीं की होगी। लोग देखिए बहुत तरह का ज्ञान देंगे आपको कि उस ग्रंथ में, उस वेद में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उस चीज को कभी नहीं बताएंगे जो सच है, क्योंकि सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से जो ग्रंथ में लिखा है वही सही है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ग्रंथ में जो वेद में लिखा है मैं किसी चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन उनका बोध और उनकी मान्यता एक समय और फेज के साथ में, जब जब हमारे जीवन में सिचुएशन चेंज होती है तो उसके हिसाब से वो चेंज होती रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने आप को ऑर्थोडॉक्स थॉट के साथ में वहाँ पर एक जमा कर रखते हैं कि नहीं जीवन सिर्फ ऐसा ही चलने चाहिए, तभी जीवन में क्लेशेस स्टार्ट होते हैं। एक तो हमारी लाइफ साइकिल ये डिमांड कर रही है कि आपको इस तरह से लर्निंग्स लेनी है, हम ये सोचते रहते हैं कि वो चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो रही है, तो क्लेशेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही डिटेलाइट बात करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे क्या पूछने की कोशिश की थी कि जब से उन्होंने जन्म लिया है मैंने कभी भी एक हंसी का पल नहीं देखा है, हमेशा लाइफ में दुख ही दुख देखे, पेरेंट्स से दुख मिले, भाई बहनों से यानी कि सिबलिंग से दुख मिले, जब घर वालों ने शादी करा दी तब हस्बैंड से दुख मिले, जब हस्बैंड ने मिर्जे नहीं समझा तब ससुराल वालों ने भी नहीं समझा, इसके बाद में जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो बच्चे मेरे साथ नहीं देते, यानी कि उनका पूरा जो एक सारांश था वो इस तरह से था कि उनकी लाइफ में कभी भी एक हैप्पी वाला मोमेंट नहीं आया। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि देखिए मैं अभी ये भी जानती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरे लोगों से। तो देखिए उनका सवाल का भी जो निचोड़ है और जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और इस जीवन के भी तथ्यों को शेयर करूंगा कि जीवन आप इसको सही कैसे बना सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग क्या सोच के चलते हैं कि देखिए हर एक किसी व्यक्ति का कोई ना कोई एक आइडल होता है, हम उसे आइडल बनाकर रखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भी कुछ आपके साथ प्रमोट करना चाहता हूँ। देखिए हमारे जैसे 5 लाख रिग्रेशन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, उसका भी हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है डिवाइन एंड्स, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहो तो उसको एक मौका दे सकते हो उसको सब्सक्राइब करके, ताकि अगर उस पर भी कोई भी वीडियो आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। तो बस इतनी सी मेरी गुजारिश थी। अब जैसे कि मैं आपके साथ में टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा था तो अभी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि उनका एक सवाल था जो मैंने बताया
कि कभी भी उनकी लाइफ में उन्हें कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिली, उनका ऐसा मानना है। लेकिन इस जीवन को मैं थोड़ा दूसरी तरीके से देखता हूँ, और यही जो मेरे एक देखने की जो सीख है, ये देखने का जो तरीका है, यही आपको कुछ ना कुछ हटके महसूस कराएगा। बहुत सारे लोग मेरी बातों को बकवास बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, मुझे पता है। और देखिए, मैं बस उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आपसे ना गिला है ना शिकवा है, आप बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट हो, कुछ बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती उनके लिए स्पेशली, कि दोस्त और बहनों, जो भी जिस भी हिसाब से आप देखते हो, कि एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, ये जो मेरी कड़वी बातें हैं, यही बातें आपको मीठी लगेंगी। और जो जिनकी बातें, जैसे मेरी लाइन के आज लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनकी बातें आज आपको मीठी लग रही हैं, एक टाइम के बाद में वो बातें ही आपको कड़वी लगेंगी। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, एक वो शख्स होता है जो शुरू शुरू में बहुत कड़वा लगता है, क्योंकि वो सच्चाई बोलने की कोशिश करता है। एक वो शख्स होता है जो आपको आपके हिसाब से खुश करने की कोशिश करता है, कि आप ये सुनना चाहते हो तो मैं वही सुनाऊंगा। तो देखिए, वो शुरू में बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन जब आपको इंसाइट होने लगती है, जब आपका नेचर साथ देने लगता है और आपको सारी चीज़ें पता लगने लगती है, तो दैट टाइम यू विल रियलाइज कि अरे, वो शख्स ज़्यादा सही था कि जो इस तरह से बताता था। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए, हम यहाँ पर आपसे एग्री नहीं कर रहे, ये बात आपकी गलत है, ये बात सही है। तो देखिए, मैं आपको एक खुल के बात बोलता हूँ, इसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वो भगवान की तो डेमोक्रेसी वो सुप्रीम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हो स्पेशली, तो हम सबको पूरा हक है अपनी राय देने का, टिप्पणी करने का, कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं बस यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहता हूँ, देखिए, मेरी जो पर्सनल राय है, मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मैं आपको ये क्लेम नहीं कर रहा कि उस बुक से मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, ये मेरे थॉट प्रोसेस है, मैंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। तो देखिए, आप जो सोच रहे हो, मैं आपको कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूँ? अगर आप मुझसे सेटिस्फाइड होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, आप इसको बिल्कुल भी मत समझिए। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरी बात आपको कहीं सही जानकारी देती है, तो यस प्लीज़ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम मी। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ बकवास करता हूँ, तो प्लीज़ लीव इट। कौन आपको बोदर कर रहा है कि आपको मेरी बात माननी ही चाहिए? तो बस मेरे तो सिंपल सी एक लाइफ है, सिंपल सा एक फंडा है, और सिंपल सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बात मैं करना चाहता हूँ। अगर आपको सही लगे, आपकी बातें कुछ आराम देती हैं, कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, तो बिल्कुल रखिए। अगर बकवास लगती है तो छोड़ दीजिए। कौन किसको बोल रहा है कि आप मुझे सही बोलो या गलत बोलो, आपके ऊपर है। तो देखिए, ये नज़रिया होता है, हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे लोगों के साथ में सहमत होते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मेरा इतना ही था कि आप जैसे जिसको देखते हो, आप उसी हिसाब से उसको जज करने लगते हो। जैसे मैंने बताया कि देखिए, जीवन क्या है, हम सब क्या सोचते हैं कि जीवन हमारा ऐसे जाना चाहिए, जो पल इस जीवन में आपको अच्छा लगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या बनती है, अगला पल भी इसी तरह होना चाहिए। सपोज करो कि आपके हिसाब से किसी से आपकी शादी होगी, तो आप क्या सोचते हो कि शादी के बाद में जितने भी सारे मोमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से हमारे चलने चाहिए। मतलब आप एक दुनिया में आए हुए किसी की वजह से, यानी कि नेचर की वजह से, आपके पेरेंट्स की वजह से, आप एक खुद की एक दुनिया क्रिएट करने की सोचते हो। तो दुनिया वो है जो नेचर आपकी लाइफ साइकिल को बना के भेजता है, एक नेचर फोर्स कर रहा है कि नहीं, आपको ऐसे ही चलना है, आप ऐसे भुगतोगे तो उस पर जो रिएक्शन करोगे, उससे मैं आपका फ्यूचर बनाऊंगा। एक आप अपनी दुनिया को क्रिएट करने की जद्दोजहद में लगे हो कि मेरा बचपन ऐसे बीता है तो मेरी जवानी ऐसे बीतेगी, मेरी जवानी ऐसे बीतती है तो मेरी कॉलेज लाइफ ऐसे बीतेगी, मेरी कॉलेज लाइफ ऐसे बीतती है तो मेरी शादीशुदा लाइफ ऐसे बीतेगी, मेरी शादीशुदा लाइफ इतनी अच्छी बीतती है तो मेरे बच्चे भी इतने अच्छे होंगे। लेकिन जब हम अपने आप को भगवान के रूप में देखने लगते हैं, जब हम अपने आप को भगवान के रूप में जानने लगते हैं कि हाँ, मैं ही भगवान हूँ, तब दिक्कतें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। आप यहाँ पर ये चीज़ भूल जाते हो, देखिए, आपने जो समय व्यतीत किया है, ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे व्यतीत करेंगे, या आपकी जो लाइफ साइकिल 10 साल की एज तक थी, ये जरूरी नहीं है कि 20 साल तक होगी। बस आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, और इस जीवन को थोड़ा सा करीब से आकर के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम उन चीज़ों को उस हिसाब से नहीं देखते, और वही दिक्कत हमें लगने लगती है। अब सपोज करो कि आपकी एक टाइम था, आपको एक ऐसी लड़की मिल गई, या ऐसा कोई जरिया मिल गया, या ऐसी कोई एक चीज़ मिल गई जिसके सारे सांप अपनी लाइफ को काट रहे थे। अब समय बदला, फेज बदल गया, वो लड़की कह लो या सामान कह लो, वो अपनी जो भी आपके साथ में था, वो आपसे दूर हो गया। जब वो दूर हो गया, तो उसके बाद में आपकी लाइफ क्या कहेगी, या आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी, अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि आपने आप में उस चीज़ को लाइफ बना लिया।
या यूं कहूं कि आज जितनी श्रद्धा आप भगवान के प्रति रखते थे, आपने सारी श्रद्धा उसी के प्रति रख दी कि तू ही मेरा सब कुछ है। अब नेचर ने जैसे चीजें सेट करके रखी थी, जिस जाल में आपको फंसा के रखना था, आप उसी में फंसते चले गए। और उसके फंसते हुए आपने ये और सोच लिया कि नहीं, ये दुनिया परफेक्ट है जिसमें मैं फंस रहा हूं। तो देखिए, जब आप इससे निकलोगे तो आपको पेन तो होगा, आपको खुशी कैसा आएगी? क्योंकि आपने पूरे जीवन किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखी, किसी से कोई उम्मीद रखी। और मैं यही बोलना चाहता हूं, देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, जिस दिन आप खुश हो जाओगे, देखिए एक मेरा पर्सनल स्लोगन है जिसको मैं अपनी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ पहले भी, और आज भी शेयर करूंगा, कि जिस दिन भी आपके चेहरे पर हंसी आ गई, मतलब आप मुस्कुरा दिए, समझ लो उसी दिन आपका जाल बुनना स्टार्ट हो गया आपको रुलाने का। अब आप समझोगे ऐसा क्या हो सकता है। देखिए, हम जब भी हंसते हैं हम इंटरनल नहीं हंसते हैं, कि हम अंदर की पीस उसको नहीं पहचानते हैं। हम किसी की वजह से हंसने की कोशिश करते हैं कि आज उसने मेरी तारीफ करी, तो हम क्या सोचते हैं कि वो कल को भी मेरी तारीफ करे, वो परसों भी मेरी तारीफ करे, जो दूसरा पर्सन है वो भी मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? उसने मेरी तारीफ करी क्योंकि मुझे तारीफ इससे भी होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं, जो आगे चल के वही एक जहर का काम करती है। अब जिसने आपकी तारीफ कर ली और जिसने आज आपकी तारीफ करी थी, कल उसका मूड कैसा है, कल उसकी सिचुएशन कैसी है, कल उसकी लाइफ में किस तरह का पेन झेल रहा है, वो जरूरी नहीं है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर उसने आपकी तारीफ करी वो सच में करी है गलत करी, या उसने सिर्फ दिखावे के लिए करी, या सच में उस तारीफ के आप हकदार हो नहीं हो। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या करती है कि देखिए, हम हमेशा उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा भागते हैं जो गलत होती है। अब हम तो सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे वो मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, उसने ऐसा क्यों किया, दूसरे लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। आज मैं जो बार बार तारीफ की बात जो कर रहा हूँ, मैं एक जो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, वो आपको समझ में आ जाए कि देखिए, जो चीज़ें हम सोचते हैं कि इस तरह से होनी चाहिए वो ऐसा नहीं होती है। हम गलत तरीके से गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं, जब वो टूटती है तो हमारा जीवन बिखर सा जाता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी वो फॉर्म वो नहीं है कि जो सोल है उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगी, हम कई बार नहीं कर पाते। हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें अपनी अच्छाइयाँ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन जब कोई हमारी एक बुराइयों के तौर पर ही कई झूठी तारीफ कर रहा हो, हम उसी के मुरीद हो जाते हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप जिस दिन भी हंसोगे उसी दिन से आप रोना शुरू करोगे। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कितना सत्य है और कितना गलत है। लेकिन यस, आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो में, देखिए किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, जीवन में ये उम्मीद मत लगाओ कि जीवन आपके हिसाब से चलेगा। जीवन एक फ्लो से चलता है और फ्लो के पीछे एक नेचर फोर्स रहता है, वो आपको कई बार ऐसी स्थिति में ढकेलता है जहाँ से आप उसको समझ ही नहीं सकते, और आप चाहे या अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि लाइफ ठहर सी गई है, अब चीज़ें पहले की तरह नहीं रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें कर सकता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलिए अभी इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी इसी टॉपिक पे कि जीवन क्या है, इसको आपको कैसा समझना चाहिए, बहुत डिटेलाइड के साथ में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। थैंक यू।